अक्सर हम लोग जब भी रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आटा बच ही जाता है। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गूंथे आटा की दो मज़ेदार रेसिपी, आपको दोनों ही पसंद आएंगी, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गूंथा हुआ आटा, और ये लिया है हमने एक ग्राइंडिंग जार। तो जो आटा है ना, इसको हम तोड़ तोड़ करके ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे, और इस आटा को हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे और इसका बढ़िया स्मूथ पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे। तो लीजिए, गूंथे हुए आटा का जो बैटर है बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है और एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको हम वापस से किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो आटा होता है ना, इसमें ग्लूटेन होता है, तो हमें इसके ग्लूटेन को अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ढक करके 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो ग्लूटेन है वो सारा ऊपर आ जाए। 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो हमने पानी मिलाया था वो सारा ऊपर आ गया है, और पानी के साथ ही जो ग्लूटेन था वो भी ऊपर आ गया है। तो बस धीरे धीरे ये जो पानी है ना, इसको हम वापस एक बोल में निकाल लेंगे। तो इस पानी को हम रिमूव कर देते हैं, और जो नीचे बचा हुआ है ना, हमें ये आटा चाहिए होगा अपनी रेसिपी के लिए। तो बस इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमें एक तैयारी और करनी है। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कटोरी, और ये मैंने लिया है 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, और इसमें 1/2 कप ही हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से घोल लेंगे और इसकी स्लरी बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, कॉर्नफ्लोर का घोल रेडी है। चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रखी है, इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 कप चीनी में हम डालेंगे 1.5 कप पानी, कप या कटोरी जो भी आप लिए हैं उसी से नाप करके आपको डालना है। चीनी को हम बढ़िया से डिज़ोल्व होने देते हैं। चीनी जो है डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसको 1/2 मिनट के लिए पकने देंगे, यानी कि हमें यहाँ पर तार वार बिल्कुल नहीं बनाना है। केवल जो चाशनी है ना, इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाए, यानी कि चिपचिपी टाइप की चाशनी हो जाए, बस इतना ही हमें इसको पकने देना है। तो लीजिए, हमने चाशनी को 1/2 मिनट तक लगभग पका लिया है, और हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप इस तरह से इसको छू करके चेक कर लीजिएगा, हल्का सा चिपचिपापन टाइप का है लेकिन तार नहीं बन रहा है। अब मैंने यहाँ पर बिस्कर ले लिया है, तो एक हाथ में बिस्कर या स्पैचुला ले लेंगे, और एक हाथ से हम चमचे की मदद से या डायरेक्टली भी आप डाल सकते हैं, जो आटा का घोल था हम वो डालते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करना है आपको। अगर आप थोड़ा भी मीडियम या हाई कर देंगे ना, तो ये तुरंत ही गाढ़ा हो जाएगा और ये कच्चा लगेगा। तो बस लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा सा आप इस घोल को डालते जाइए और बिस्कर या स्पैचुला से मिक्स करते जाइए। आटा का घोल डालने के बाद अब हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी ना, उसको भी हम डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आज की हम जो स्वीट बनाने वाले हैं, और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आएगा। तो बस अब हम लो फ्लेम पर इसको लगातार ही कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे, ये गाढ़ा होता जाएगा और एक जगह सिमटने लगेगा। तो बस आपको कंटिन्यू चलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो लीजिए, मुझे इसको पकाते पकाते कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लग गया है, और ये काफ़ी थिक हो गया है। तो अब इसमें बढ़िया शाइनी टेक्सचर के लिए हम क्या करेंगे, 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो इससे बढ़िया शाइन आएगी और टेक्सचर भी बढ़िया आएगा। तो अब हम घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप फूड कलर ऐड कर देते हैं तो इससे प्यारा सा कलर आ जाएगा। आप ग्रीन की जगह यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर या येलो भी डाल सकते हैं, इससे देखने में हमारी जो मिठाई है ना, बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। तो आज की मिठाई का नाम है गूंथे हुए आटे का करांची हलवा, या फिर आप आटा की बर्फी भी बोल सकते हैं। तो लीजिए, हमने कलर को अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये कितना ग्लॉसी लग रहा है और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आ चुका। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मेलन सीड्स, ये होते हैं तरबूज के बीज। तरबूज के बीज की जगह आप यहाँ पर खरबूज के बीज भी डाल सकती हैं,
या आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करिएगा, काजू को छोटा छोटा काट करके वो भी यहाँ पर डाल सकती हैं। वैसे तो ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन देखने में ना इससे हमारी जो बर्फ़ी बनने वाली है, जो करांची हलवा बनने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो लीजिए, हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया है और लगभग आधा मिनट तक हमने और इसको पका लिया है। तो हमारा गुथे हुए आटा का करांची हलवा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये परफेक्ट पका या नहीं, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। स्पैचुला में इस हलवे को लीजिएगा और उल्टा करिएगा तो आप देख सकते हैं ये गिर नहीं रहा है, ठीक है ना। तो गिरना नहीं चाहिए, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। अगर ये तुरंत ही गिरने लगे तो फिर आपको और इसको पकाना पड़ेगा, वरना ये सेट नहीं होगा। तो फाइनली ये बहुत अच्छे से पक चुका है और देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसको पूरा पकाने में मुझे आराम से 10 से 12 मिनट का समय लग गया। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं। मैंने केक वाला एल्युमिनियम की टिन ले लिया है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो भी हो आप वो ले लीजिएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, घी से ग्रीसिंग कर देंगे और बस। अब हमने जो अपनी करांची हलवा बनाया है ना, इस हलवे को हम इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर देंगे। तो आपको इसको गरम गरम में ही बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, ठंडा होने का वेट नहीं करना है, वरना ये कढ़ाई में ही सेट हो जाएगा। तो लीजिए, हमने इसको बर्तन में अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आपको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो चलिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। 15 मिनट बाद हमारा जो करांची हलवा है बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, इसलिए साइड्स भी छोड़ दिए हैं। अब बस इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो डीमोल्ड करना बहुत आसान है, प्लेट को रखिए और इसको टर्न कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप ही निकल जाएगा। तो देखिए ये देखने में कितना ग्लॉसी है और कितना परफेक्ट सेट हो चुका है। आप चाहे तो इसको उठा करके पलट भी सकते हैं, ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना फ्लेक्सिबल हमारा हलवा बन करके तैयार हुआ है, जैसे कि करांची हलवा होता है। तो चलिए अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। अब आप इसका टेक्सचर देखिए कि कितना परफेक्ट ये हलवा बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और मुँह में बिल्कुल घुल जाने वाला हलवा बना है, जैसे कि नॉर्मल करांची हलवा होता है। तो चलिए अब हम इसके मन मुताबिक पीसेस कट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक पीस और भी दिखा देती हूँ पास से। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल करांची हलवे जैसा है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। तो आई होप आपको आज की ये गुथे आटा के करांची हलवा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए देखते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने लिया है गुथा हुआ आटा, इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया था। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम तेल मिला लेते हैं, इससे आटा में हल्का सा मॉइस्चर रहेगा और हम जो स्नैक्स या जो रेसिपी बनाने वाले हैं काफ़ी अच्छी सॉफ्ट मॉइस्चराइज बनेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आटा की हम एक बड़ी सी लोई बना लेते हैं। लोई में हम थोड़ा सा पड़थर लगाएंगे और इसको ना बेलन की हेल्प से खूब बड़ा सा बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी जैसा पतला बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल रोटी जैसा पतला बेल लिया है। अब मैंने इस तरह से एक ढक्कन ले लिया है, आपके पास कोई कटोरी हो छोटी वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके हम ना गोल गोल सर्कल कट करेंगे, जैसे हम लोग बताशे यानी गोलगप्पे बनाते हैं ना, उसके लिए करते हैं, बस वैसे ही हम इसके सर्कल कट कर लेंगे। अब इसकी जो किनारी है इसको हम निकाल लेते हैं और इसको आप चाहे तो वापस से बेल करके सेम इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक सर्कल लेंगे, इसके दोनों किनारों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे और फिर हम साइड से दोनों उंगलियों की हेल्प से इनको उठा करके फिर से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, तो ये जो लुक आया है ना, जैसे मैक्रोनी होती है ना, बस उसी तरह से इसका लुक आ गया है। तो हम गुथे हुए आटा की मैक्रोनी ही बनाने वाले हैं। तो ये हेल्दी रेसिपी भी हो जाती है और टेस्टी भी लगती है। देख लीजिए ध्यान से, एक सर्कल को उठाना है, दोनों किनारों को जोड़ना है, फिर साइड से वापस से इसको चिपका देना है, तो बिल्कुल मैक्रोनी जैसा इसका लुक आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सारी मैक्रोनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने मैक्रोनी रेडी कर दी है। अब हम कढ़ाई में रखेंगे पानी और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और बस एक चम्मच हम तेल डाल देंगे। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे और ये जो हमने मैक्रोनी बनाई हुई है ना गुथे आटा की, इस मैक्रोनी को हम पानी में डाल देंगे।
डालने के बाद इसको हम कवर करके कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये गुथे आटा की है तो थोड़ा सा आपको इसको ज़्यादा पकाना होगा। जब भी घर पर मैक्रोनी या पास्ता ना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है बाज़ार की मैक्रोनी से। तो लीजिए, लगभग 4-5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी मैक्रोनी है ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, दबा करके चेक कर लीजिए, अगर ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो समझ लीजिए कि ये बॉयल हो चुकी है। अब हम इसको अलग छन्नी में निकाल लेंगे और एक बार ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। यहाँ पर कढ़ाई में हमने 1 चम्मच भर करके तेल लिया है, तेल को हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, साथ में ही हम हरी मिर्च डाल देंगे, मिर्च को हम फ्राई होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है एक मीडियम साइज़ का, प्याज को हम हल्का सा सॉटे होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने सॉटे कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, साथ ही में हम थोड़ा सा पत्ता गोभी डाल देते हैं। इनको भी हम एक बारी मिक्स करेंगे। अब ये मैंने यहाँ पर ले लिया है टमाटर, टमाटर को भी हम मिक्स कर देंगे और इसको लिड से या प्लेट से कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट में ये सब्जियाँ बहुत अच्छे से क्रंची हो चुकी हैं, तो सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इससे कलर बढ़िया आएगा हमारी मैक्रोनी में। और 1/4 चम्मच ही हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने लिया है मैगी का मैजिक मसाला, तो इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो बस मसाले को हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम अपने डाल देंगे बॉयल की हुई मैक्रोनी और इसको भी हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और साथ ही में हम नमक डाल देते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गुथे आटा की मैक्रोनी। तो मैक्रोनी आपने कई बार ट्राई की होगी, कई बार घर पर नहीं भी होती है या बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना होता है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको आज की दोनों रेसिपी अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें।